अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं स्लो कुक्ड मिंस पाई विद पफ पेस्ट्री। मिंस पाई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मैंने वीडियो के शुरू में ऐड कर दी है। ऑनियंस को मैंने चॉप करके रख लिया है और स्पाइसेस को भी मिक्स करके रख लिया है। चलें अब हम मिंस पाई बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। पैन में हम मिंस ऐड करेंगे और इसका कलर चेंज हो जाने तक हम इसको इसमें पकाएंगे। खीमे में क्योंकि आम तौर पे पहले से ही फैट मौजूद होती है, इसलिए मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही। जब खीमे का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और साथ में गार्लिक पाउडर। दो से तीन मिनट के बाद प्याज नरम होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे, ज़ीरा और स्पाइसेस जिनको मैंने मिक्स करके रख लिया था। स्पाइसेस की मकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम तकरीबन पाँच मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। चार से पाँच मिनट तक कीमे को पकाने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में कीमा ठंडा होता है उतनी देर में हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे फेंटने के बाद हम इनको फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। एक पेस्ट्री पैन को हम हल्का सा ग्रीसी कर लेंगे। पैन के नीचे हम एक पफ पेस्ट्री की लेयर देंगे और उसके एजेस को अच्छे तरह से उसके कॉर्नर में दबा दें। अब हम इसमें नीचे कीमे की एक लेयर देंगे। इसको इवनली सारा फैला दें। कीमे की लेयर देने के बाद हम इस पे चीज स्प्रेड करेंगे। चीज की मकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चीज़ को भी हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। आखिर में फेंटे हुए एग उनको हम ऊपर एक लेयर दे देंगे। एग की लेयर देने के बाद हम इस पे पफ पेस्ट्री की एक और लेयर देंगे और इसके एजेस को अच्छी तरह से जोड़ देंगे। ज़ीरों को सही से जोड़ने के लिए आप फोक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साइड पर बचे हुए सिरे अगर आप चाहें तो आप इसको काट भी सकते हैं। मैं इसको नहीं काटूंगी क्योंकि बेक होने के बाद इसकी शेप बहुत खूबसूरत लगती है। पाई को ओवन में रखने से पहले फोक से आप इसमें हल्के से सुराख कर दें। ओवन में रखने से पहले हम एग को ब्रश की मदद से ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम हल्के से वाइट तेल और कलवंजी को स्प्रिंकल कर देंगे। तेल और कलवंजी को स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 मिनट के लिए 150 डिग्री पे रखेंगे। ऑन द गो मिंस पाई बनाने के लिए
आप पफ पेस्ट्री की एक शीट लें और इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने के बाद उसके साइड्स को ऐसे काट लें। पहले पोर्शन में खीमे की स्टफिंग करें। आप चीज़ की एक लेयर दे दें। अब हम इसको असेंबल करना शुरू करेंगे। असेंबल करने के लिए आप एक सिरा इधर से लें और इसको टर्न कर दें। इसी तरह से दूसरी साइड का सिरा पकड़ेंगे और इसको टर्न कर देंगे। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे और एज पे इनको आपस में जोड़ देंगे। ऑन द गो पाई को हम बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे और पेपर को नीचे से निकाल लेंगे। तेल और कलमंजी को स्प्रिंकल कर देंगे। तेल और कलमंजी को स्प्रिंकल करने के बाद हम इसको भी प्री हीटेड ओवन में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। जी दोस्तों, हमारी बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी स्लो कुक मिंस पाई रेडी है और ये आप देख सकते हैं कि अंदर तक कितने मज़े की लग रही है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।